टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहली बात तो सभी को सलाम। ये अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन जो मैं काफ़ी टाइम से मुमरा में चला रही हूँ, मुमरा कलवा में, और हेड ऑफिस मुंबई में है और पूरे महाराष्ट्र में काम करती है। जैसे आप लोग को पता ही होगा क्या, मैंने कौसा में भी महिला रोज़गार करके अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन पे चालू किया था और काफ़ी योजनाओं पे काम करती हूँ। तो यहाँ पर संजय नगर में हमने जनधन का अकाउंट ओपन किया, काफ़ी बहनों का, 700-750 बहनों का जनधन अकाउंट ओपन किया। उसमें से कुछ पासबुक आए थे मेरे पास, जो आज उसका वितरण किया मैंने सभी बहनों को, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की जानकारी दी, काफ़ी सारे योजनाज़ की जानकारी दी। जैसे कि मैंने अभी बच्ची के लिए सुकन्या योजना की तैयारी चालू की हूँ, क्योंकि सुकन्या योजना इतना अच्छा है, जो बॉर्न बेबी, बॉर्न बेटी को जब दिया जाता है वो 10 साल तक के भरना है, 18 साल के बाद उसको एक अच्छी रकम मिलती है, उस योजना के बारे में बात की हूँ। और सीनियर सिटीज़न और विधवा बहनें हैं हमारी, और कुछ बीमारियों पे से जो इलाज यहाँ पर होते नहीं हैं या होने के चांसेस बहुत कम हैं, उस पर से बात किया है। तो एक बस बहनों का प्रोग्राम था संस्था अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए, और सभी बहनें मेरी मेंबर्स हैं और मेंबर्सों के साथ ये प्रोग्राम किया है और आगे आगे बस अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन काम करेगा। अर्शिया मैडम, जो अकाउंट खोला गया है महिलाओं का ही खासतौर पे खोला जा रहा है, तो क्या इन महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ जेंट्स लोग की भी है, क्योंकि जनधन योजना से हमें बीमा भी है, हमें पॉलिसीज भी मिलती है, तो वो भी जेंट्स लोग के लिए भी, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन काफ़ी महिलाओं पर मैंने जैसे काम ही करती हूँ मैं महिलाओं के लिए पहले से, तो महिलाओं तो एक फोकस है ही जिनके लिए मैं काम करूँगी ज़्यादा, लेकिन जेंट्स लोग के लिए भी है ये योजना। आगे बीजेपी का क्या रणनीति और मुद्दा है? बीजेपी के लेवल पे काम कर रही है, अर्शिया के लेवल पे काम कर रही है, तो बीजेपी का होगा, जिस दिन बीजेपी के बंच पे खड़े रहूँगी उस दिन बात करूँगी। आज अर्शिया के लिए काम कर रही हूँ और अर्शिया का मंच है, और अर्शिया एक सोशल काम करती है, सालों साल से करती है, तो आज भी उसी का प्रोग्राम है। तो आज अर्शिया के लिए यही जानकारी है कि जितना काम हो सकेगा बहनों के लिए करती आई हूँ। जैसे सबसे बड़ा लॉकडाउन के बाद में जो विषय था, जो रोज़गारी का, महिलाओं के लिए काम, तो उस पर आपको पता ही है, मुमरा को पता है, हमने कौसा से काम चालू किया है महिलाओं को टेलरिंग काम देना, तो उस पर काम चल ही रहा है, और यहाँ पर भी हम लोग महिलाओं को काम दे रहे हैं। तो बस यही सब काम है जो घर घर तक पहुँचाना है, जो हर बहन तक पहुँचाना है, मतलब हर बहन के हाथ में रोज़गार देना है, मेरा मेन विषय है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। और जितनी सुविधा सरकार की है, स्टेट सरकार हो या अपनी दिल्ली सरकार हो, उनकी योजना यहाँ तक पहुँचाने का काम है। क्या नाम है आपका? गुलनाज। बात है, अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन का ही आज था, तो हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, हम इसलिए क्योंकि लेडीज़ों को हमारा मोटिव ही है कि एक साथ जोड़ के रखना, किसी भी जरिए हम एक साथ लेडीज़ जुड़े रहेंगे तो कैसे उनके लिए भी अच्छा है, और हमारा ये काम है कि हम लेडीज़ को हर एक चीज़ से फैसिलिटी पहुँचाएं, उनको जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिक्कत है काम को, अभी तो फिलहाल काम का ज़्यादा इशू है, अभी हम फोकस भी काम पे ज़्यादा ही कर रहे हैं। किस तरह का काम देने का ज़्यादा प्रयास? उनके हिसाब से, उनको जो कंफर्टेबल हो, हम कोशिश करते हैं उनको उनके हिसाब से ही उनको काम दें, हमारा कोई फिक्स नहीं है आप ये करो, हम कोशिश करते हैं, अभी भी हमारा कोशिश ही है कि वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उनको जो भी चीज़ में उनको कम्फर्ट हो वो काम हम उनको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करते हैं, और स्टार्ट भी किया है, बस सबका सपोर्ट रहे तो इंशाल्लाह बहुत आराम जा रहे हैं। हम अभी उनको डायमंड्स का काम दे रहे हैं, हम उनको घर में जो डोर टू डोर जॉब करते हैं वो भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो हाउसवाइफ है जो घर में रहती है, जो खाली घर का काम करती हैं, हमने बहुत सारी लेडीज़ लोगों को घर का भी काम दिया है, प्लस हमने उनको सिलाई का काम तो काफ़ी टाइम से जो स्टार्ट किया हुआ है, सिलाई का काम तो उनको कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी तो ये काम हमने उनको दिया हुआ है, आगे कोशिश हमारा है कि हमसे जितना भी हो पाएगा हम उनके हर तरीके से काम में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अभी अर्शिया फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, तो किस तरह का आपका काम हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा काम, किस तरह से जुड़ रही हैं? अभी तो जुड़ी हूँ, पर रीदा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, और हमें हम सब में एक महिलाओं में एक ताकत होता है, होना चाहिए कि हर चीज़ आगे बढ़ के करना चाहिए, और रीदा मैडम वही हैं जो इनके वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये जो करते हैं ना
वैसा मुझे नहीं लगता कोई करता है। कैसा सहयोग कैसा मिल रहा? बहुत अच्छा, जो भी शब्द है जो भी काम है दिल छू जाता है। मुझे तो अच्छा लगा है, सभी को अच्छा लगा है। हाँ बोलो जोर से। सबसे पहले तो मैं रिधा मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। रिधा मैम ने 3 साल पहले यहाँ पर एक शुरुआत की थी और आज उसी का नतीजा है कि अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन का आज ये संजय नगर का ऑफिस खुला है, जहाँ पर पिछले 2 सालों से लॉकडाउन में महिलाओं को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी, जैसे घर में राशन वगैरह की बहुत सारी चीज़ें थी, काम नहीं था, काफ़ी मर्द घर पे बैठे हुए थे। सबसे बड़ी समस्या थी अपने मुमरा की कि यहाँ रोज़गार नहीं था, तो रिधा मैम ने एक छोटी सी शुरुआत की कि यहाँ पर उन्होंने इस मामले को समझा, इस बारीकी को समझा और उन्होंने एक गारमेंट डिपार्टमेंट की शुरुआत की, जिसके ज़रिए कई बहनें हैं जो पिछले 3 महीनों से यहाँ से रोज़गार ले जा रही हैं और अपने घर का खर्चा चला रही हैं, अपने मर्दों के साथ में कंधे से कंधा मिला के घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इतनी बड़ी पहल मुमरा में किसी ने आज तक की है। और ये जो चीज़ अब आप देखोगे कि हम यंगस्टर्स को भी रोज़गार पहुंचाने की कोशिश में हैं। यहाँ पर कुछ दिनों में एक मेडिकल कैंप लगेगा, जो कि ऐसे मुमरा में कई मेडिकल कैंप लगते हैं लेकिन वो लगते हैं और उसी दिन में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में हम ऐसा मेडिकल कैंप लगाएंगे जिसकी वजह से हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको साल भर तक उसकी सुविधा पहुँचे। और ये हमारी रिधा मैम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है मुमराकरों के लिए और मुमरा की बहनों के लिए। क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको यहाँ से, जिस तरह से यहाँ पे वितरित किया गया पासबुक, अकाउंट खोला जा रहा है, रोज़गार भी दिया जा रहा है, तो क्या लाभ आपको मिल रहा है? अभी अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किए, इंशाल्लाह आगे हम लोग सब एक दूसरे की मदद में ही रहेंगे और अल्लाह ताला अगर उसमें कामयाबी देंगे तो सबका रहेगा वक्त साथ, तो इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। हम भी साथ दे रहे, वो भी हमारा साथ दे, और हमारी बहनों को जो बेरोज़गार है, जो अभी तक नहीं सोची कि हमारा क्या होएगा, तो इन्होंने जो इनकी मेहनत यहाँ तक आई है, इंशाल्लाह हम भी साथ देके इससे आगे उनको बढ़ा देंगे।